तो देखिए, सबसे पहले हम न्यूज़पेपर पर इस बैक की पैटर्न की कटिंग कर लेंगे। तो ये न्यूज़पेपर मैंने ले लिया है 11x9 इंच का, यानी 11 इंच लेंथ है और 9 इंच इसकी वेथ है। तो सबसे पहले हमें इसे सेंटर से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से देखिए 5 इंच ऊपर तक खुली हुई साइड से हमें एक मार्क लगा लेना है और इस फोल्ड साइड से 1.5 इंच पर मार्क लगा लेना है और बाकी का जो हिस्सा है इस पर ये गोलाई करनी है, इसकी कटिंग कर लेनी है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमें फ्रंट और बैक बना लेनी है। यहाँ पर जो हमने फ्रंट बनाई है वो येलो कलर की बनाई है क्विल्टिंग करके, और जो बैक है वो ब्लू है। तो देखिए, इस फैब्रिक का हम एक साइड बनाएंगे। इस पैटर्न से मार्जिन जो है हम एक्स्ट्रा रख के इसकी कटिंग कर लेंगे, इस बैग वाली फॉर्म का यूज़ करेंगे और क्विल्टिंग कर लेंगे। तो ये एक पीस पर ही क्विल्टिंग करनी है। आगे का जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो येलो बनाया मैंने। तो देखिए, फ्रंट और बैक पर मैंने क्विल्टिंग कर ली है। फ्रंट मैंने ये येलो लिया है और बैक जो है वो ये लिया है। अब इन दोनों पीसेस को हम रखेंगे अलग। अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग फ्रंट में हमें पॉकेट लगानी है, तो हम इतना हिस्सा फोल्ड कर लेंगे ऊपर से जो है 2.5 इंच। अगर नीचे से नापेंगे तो 6.5 इंच चौड़ी जो है एक पीस क्विल्टिंग का हमें ब्लू फैब्रिक का तैयार कर लेना है। लेंथ उसकी जितना ये न्यूज़पेपर है इतनी ही रखनी है, यानी फ्रंट के बराबर। तो ये देखिए, हमने ये फैब्रिक की कटिंग कर ली है। इस तरीके से हमें इसे रखना था न्यूज़पेपर को, और साइड में जो है सिलाई मार्जिन छोड़ने के बाद हमें इस पीस को रखना था। देखिए, ये हम पैटर्न जो है बैक पार्ट पे रखेंगे तो हमने चारों तरफ सिलाई मार्जिन रखा हुआ है। अब इस पीस को देखिए, नीचे लाइनिंग लगाई है, बीच में हमने फॉर्म लगाई है और ऊपर हमने रखा है। और तो ये देखिए, पॉकेट के लिए हमने इस फैब्रिक को क्विल्ट करके तैयार कर लिया है। अब हमने 1.5 इंच चौड़ी ये स्ट्रेट कपड़े की स्ट्रिप ली है, जिसे कि हम यहाँ पर रख कर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इस बैक की स्ट्रिप को जो हमने स्टिच किया था, अब हम इसे टर्न करके सीधी साइड की ओर लेके आएंगे और इसके किनारों को अंदर की तरफ मोड़ कर किनारे पर स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने ये फ्रंट साइड लेनी है अब, और इस फ्रंट साइड के आगे की तरफ इस क्विल्टिंग पीस को लेकर यहाँ पर स्टिच कर लेनी है। तो देखिए, फ्रंट हिस्से पर तो मैंने पॉकेट ये अटैच कर ली है, इसे अब हम अलग रखेंगे। अब हम बैक पार्ट पे पॉकेट लगाएंगे अंदर की साइड से। तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, लेंथ इसकी बैक की चौड़ाई के बराबर और विड्थ इसकी जो है 6.5 इंच है। तो इस तरीके से पहले तो इसका किनारा टर्न करके स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, अब हम इस फैब्रिक को इस तरीके से रख लेंगे बैक साइड पे। पहले तो हम इसका सेंटर निकालेंगे क्योंकि हमें इसका पार्टीशन करना है। तो इस तरीके से हमें इसे बैक के साथ रखना है, बैक पार्ट के साथ, और यहाँ पर स्टिच कर लेना है और यहाँ पर भी। तो देखिए, अब हम इस बैग के जीप वाली स्ट्रिप को बना के तैयार करेंगे, जिसकी लेंथ 16 इंच और विड्थ इसकी 3 इंच है। तो ऐसे हमें दो क्विल्टिंग पीस तैयार करने हैं, और इसके अलावा 16 इंच की ही हमने यहाँ पर जिप ली है। तो सबसे पहले हम जिप के एक किनारे के साथ एक क्विल्टिंग पीस को स्टिच कर लेंगे।
तो देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसे हम बैक की तरफ करेंगे और एकदम किनारे पर स्टिच कर लेंगे, जिससे कि ये कपड़ा बैठ जाए यहाँ पर। तो देखिए एक तरफ तो हमने इस को स्टिच कर लिया है, अब दूसरी साइड भी हम क्विल्टिंग पीस रखेंगे जिप के साथ और स्टिच कर लेंगे, और बाद में ये बैठने वाली स्टिच भी लगा लेंगे। तो देखिए अब बैग के हैंडल को बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ 16 इंच और विड्थ इसकी 3.5 इंच है। दो हैंडल हमें बनाने हैं, 16 इंच लेंथ और 3.5 इंच विड्थ का ये फैब्रिक है। इसके बीच में हम फॉर्म लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये सबसे पहले तो फ्लोर बैग वाली जो स्ट्रिप है उसकी कटिंग कर ली है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच और 3 पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं फॉर्म रखूँगी इसके बीच में। फॉर्म की जो लेंथ और वेट है वो भी इस फ्लोर बैग वाली स्ट्रिप के बराबर ही है। तो सबसे पहले मुझे फॉर्म रखना है, उसके बाद फ्लोर बैग रखना है, उसके बाद हम कपड़े को इस तरीके से किनारे जो है अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे और स्टिच लगा लेंगे। तो स्ट्रिप जो है बनके तैयार हो जाएगी। तो हमें स्ट्रिप के दोनों किनारों पर स्टिच लगानी है, इसी तरीके से ये वाली भी तैयार कर लेनी है। पहले फॉर्म रखना है, फिर ये। तो ये देखिए बैग के हैंडल जो है हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे जिप वाली स्ट्रिप के साथ अटैच करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जिप वाली स्ट्रिप का हमें सेंटर निकाल लेना है। सेंटर से हमें 3 इंच राइट और 3 इंच लेफ्ट पर मार्क लगाना है। पहले सेंटर मार्क लगाया, सेंटर से 3 इंच राइट और 3 इंच लेफ्ट पे हमें मार्क लगा लेना है यूं। अब हम कोई भी एक स्ट्रिप लेंगे, इसका जो कॉर्नर है जो फॉर्म वाली साइड है हम ऊपर की साइड रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें अटैच करना है। तो सबसे पहले इसका जो कॉर्नर है इसको यूं फोल्ड करना है, थोड़ा सा हमें फोल्ड कर लेना है। इसके बाद जो 3 इंच वाला मार्क है वहाँ से हमें इसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है स्ट्रिप को। इस तरीके से आप नाप लीजिए और 1.5 वाला मार्क जो है वो 3 इंच वाले मार्क से मैच करना चाहिए। तो यूं हमें रखना है इसे। पहले तो हमें इसको चौरस यहाँ पर स्टिच करना है और उसके बाद क्रॉस कर लेना है ऐसे। तो इसी तरीके से दूसरा कॉर्नर भी, पहले तो हमें इस किनारे को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, फिर इसको जो एक्स्ट्रा लेना है 3 इंच वाले मार्क से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और फिर पहले चारों तरफ स्टिच लगानी है, फिर क्रॉस कर लेना है। ठीक इसी तरीके से बाकी की जो अगली स्ट्रिप है वो भी बना लेनी है हमें। देखिए हैंडल को मैंने जिप के साथ अटैच कर लिया है। अब हमने बेस के लिए एक और स्ट्रिप ली है जिसकी लेंथ 23 इंच और वेथ जो है इसकी इस पीस के बराबर ही है जितना कि जिप वाला पीस की चौड़ाई है। अब हमने इसकी लेंथ ली है और चौड़ाई जो है वो जिप वाली स्ट्रिप के बराबर ही होगी। तो पहले हमें इसका ये किनारा जिप वाला और ये वाला किनारा स्टिच कर लेना है, और दूसरा किनारा भी स्टिच करके तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने जिप वाली और बेस वाली स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम बैक की तरफ करेंगे और सीधी साइड से इधर एक किनारे पर स्टिच लगा लेंगे और यहाँ पर भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए अब हम दोनों साइड वाली स्टिच को आपस में मिलाकर यूं रखेंगे और बेस का सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हमने मार्क लगा लेना है, इधर भी और दूसरी साइड भी। ये मार्क लगा लिया। अब हम कोई भी एक साइड लेंगे बैक की और उस पर भी इस तरीके से सेंटर मार्क लगा लेंगे या नोचिस लगा लेंगे। इसके बाद हम बैक का सेंटर और स्ट्रिप का सेंटर आपस में मिला के
यूँ रखेंगे एकदम बराबर करके, और यहाँ पर स्टिच करेंगे सेंटर से, फिर यहाँ तक लेके आएंगे, हैंडल को अंदर की साइड कर लेंगे, स्टिच करते हुए यहाँ तक लाएंगे और जहाँ से हमने स्टिच को स्टार्ट किया था वहीं पर एंड कर लेंगे। तो ये देखिए, एक साइड तो हमने बैक के साथ स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है, ठीक इसी तरीके से हमने इस सेंटर के साथ फ्रंट पार्ट का सेंटर मिलाना है और यहाँ तक स्टिच करना है। पहले बेस स्टिच कर लेंगे और उसके बाद गोलाई वाला हिस्सा भी स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने से पहले हम इस बैग की जिप को खोलेंगे ताकि हमें सीधा करने में आसानी हो बैग को। तो देखिए दोस्तों, ये बैग बनके तैयार हो गया है। इस तरीके का ये फ्रंट साइड से लगेगा। तो बैक साइड से इस तरीके का दिखाई देगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी तो कमेंट करना ना भूलिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में आपका बहुत बहुत शुक्रिया।